हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल फ्रॉम श्री वेद इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 25 गांधीनगर। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम फ्लैमिंगो चैप्टर 4th एंड पार्ट 3rd, राइट। प्रीवियस लेक्चर वी हैड लर्न टू थिंग्स, just describe and discussion, we discuss about it. Last lecture we had learned on the dark evening, as he was walking slowly, he means who? Rap Trapper. Then slowly along the road, and he went to a small grey cottage to request for some food and shelter for the night. The owner who had, owner means the old man, and who had once been a crofter, invited him in. Then he lived all along and was happy to get someone to talk to him. Then he spoke about his personal life, means the old man spoke about his personal life also to the peddler, and peddler means rat trapper. Then he informed, the old man informed, that during his prosperous days he worked at the Ramcho's iron work. Now he has a cow, and his cow is supported him. Then he also said that he had earned 30 kronor by the selling the cow's milk. He also showed him the money and then put it in a pouch near the door. After that, the crofter locked the door and put the key in his pocket. Before that, the peddler got share of the porridge, show me tobacco for his pipe, and a good night's sleep. And the crofter got up early to milk his cow, so the peddler was forced to get up early and live with him. The crofter locked the door and put the key in his pocket, and the man with the rat trap said goodbye and thank you. Then there's upon each went his own way. तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने यहाँ तक देखा था. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पोर्शन. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. बट हाफ एन आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. जो रेड ट्रैपर, जो सेलर था पेडलर, और वहीं पे ही आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे पहले, जिस डोर से वो निकला था. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउ एवर, मतलब वो वैसे देखने जाए तो उसका कुछ एम था, कोई गोल था वहाँ आने का, कोई रीज़न था. लेकिन क्या होता है कि ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउ एवर, फिर से वो जो ओल्ड मैन है उसको बताना नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पे दोबारा क्यों आया हूँ. वो अपने आप ही कुछ करके जाना चाहता है. क्या करता है वो देखते हैं. ही ओनली वेंट अप द विंडो, वो सिर्फ डोर के अंदर नहीं जाने की कोशिश नहीं करता, बट ही ओनली वेंट अप द विंडो, सिर्फ वो विंडो तक गया जहाँ, जिस विंडो को जो ओल्ड मैन था उसने दिखाया था कि किस तरह से वहाँ से उसको जाना है. तो वहाँ पे क्या लगाया था, कितने पैसे थे, वो सारी चीज़ें उसको दिखाई थी. तो वो सारी चीज़ें वो देखता है वहाँ पे. ही ओनली वेंट अप द विंडो, फिर वो विंडो तक जाता है. स्मैश्ड अ पैन, स्मैश्ड अ पैन मतलब कि जो विंडो है उसको वो ब्रेक करता है, तोड़ता है. स्टक इन हिज हैंड, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि
इस तरह का विंडो हम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ इतना जो पोर्शन होता है उसको वो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो बिल्कुल वैसे स्मैश द पैन एंड स्टक इन हिज हैंड, फिर उसका जो हैंड है उसके अंदर डालता है एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 crown ऑल। फिर वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है कि मतलब उसका हाथ विंडो के अंदर डालने के बाद अंदर से जो पाउच जो था 30 crown ऑल का वहाँ पे हैंग किया हुआ था उसको वो निकालता है। निकालने के बाद स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड द पाउच विद द 30 crown ऑल, ही टूक द मनी। उसमें से जो भी जो पॉकेट है उसमें से, और आपको मैं ये भी बता दूँ कि वो पॉकेट किसका था, लेदर का था, नेल पे हंग किया हुआ था वो कहाँ, तो नियर द विंडो। और ही टूक द मनी, उसके बाद वहाँ से उसने उस जो लेदर का जो पाउच था उसमें से मनी लिए, मतलब पैसे ले लिए। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और फटाक से अपने जो पॉकेट होता है उस पॉकेट के अंदर वो सारे पैसे उसने डाल दिए, रख दिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर मैंने जो बताया कि पाउच लेदर का था तो अभी ऑब्वियस है चोरी की है तो उसको वापस अपनी जगह पे रखना पड़ेगा, तो वो अपनी जगह पे वापस रखने के लिए उसको हंग कर देता है। तो देन ही हंग द लेदर पाउच, उसके बाद उसने बहुत ही केयरफुली वो जो पाउच था उसको हंग कर दिया वापस बैक इन इट्स प्लेस, जहाँ पे उसको लगाया हुआ था, जिस नेल पे लगाया हुआ था बिल्कुल वहीं पे उसको लगा दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से वो निकल गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपने देखा कि कौन सी प्रोसेस उसने की, तो जैसे यहाँ पे जो विंडो जो स्मैश की, स्मैश अ पैन, देन पुट हिज स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड द पाउच विद द 30 crown ऑल, देन टूक सम मनी नहीं ऑल मनी, देन थ्रस्ट इन टू हिज ओन पॉकेट, और देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स ओन प्लेस, मतलब उसका उसकी जो जगह थी वहाँ पे उसको वापस रख दिया। एक्चुअल में ये एक थीफर है, मतलब वो चोरी छोटी छोटी जो चोरी होती है वो वहाँ से करता है। तो ही टूक द मनी देन द थर्स्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली। देन एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। मीन्स ही वॉक्ड अलॉन्ग, फिर वो अपने जो भी पैसे हैं उसको लेके वो वहाँ से निकलता है। उसके पास पैसे थे विथ हिज मनी इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में ही थे। कितना अच्छा फील होता है जब बहुत सारे पैसे एक साथ अपने पास आ जाते हैं। तो एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विथ द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विथ हिज स्मार्टनेस, और उसको उस टाइप किस तरह की फीलिंग्स आती है जैसे वो अपनी जो स्मार्टनेस है उसको दिखा रहा है, वो स्मार्ट है कि कितनी स्मार्टनेस से उसने ये सारे पैसे वहाँ से लिए और लेके चला भी गया। तो ओल्ड मैन को तब तक पता भी चलता नहीं कि ये जो इंसान है वो इतनी स्मार्टनेस से सारे पैसे लेके जाते हैं। Then he realized, of course, that at first he dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. Then he realized, उसके बाद उसको realize होता है कि of course that the first he dare not continue on the public highway. अभी इतनी बड़ी चोरी की है तो ऑब्वियस है कि उसको उस जगह पे वापस जाना या फिर वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था।
क्योंकि जो मतलब पब्लिक प्लेस है वहाँ तो जाना पॉसिबल ही नहीं था। गलती से किसी को पता चल गया कि यहाँ से चोरी हुई है, ये जो इंसान है वहाँ से आया हुआ है, तो ऑब्वियस वहाँ से आने के बाद वो चीज़ को वापस मतलब कहीं किसी को पता चल जाए कि यहाँ से चोरी हुई है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से उसने रियलाइज़ किया कि ऑफकोर्स दैट द एट द फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, तो उसको वो जो पब्लिक हाईवे था वहाँ से नहीं जाना था। उसने फिर सोचा कि मुझे जो साइड रोड है या फिर कोई साइड वे है वहाँ से जाना चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लमेटिक थिंग होने वाली है या फिर चोरी की है वो पता न चले, वो उस बात को सेफ रखने के लिए उसको दूसरे डायरेक्शन या दूसरी साइड जाना ज़रूरी है। तो उसने उसको रियलाइज़ किया, ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड। तो उसने क्या किया कि जो पब्लिक हाईवे था वहाँ पे नहीं गया, लेकिन जो मस्ट टर्न वहाँ से उसने टर्निंग ले लिया एट द रोड देन इन टू द वुड, और वो वुड से गया, वुड्स यहाँ पे फॉरेस्ट है। तो उसके बाद कौन से रास्ते से वो गया, तो जो वुड्स यानी कि जो जंगल का रास्ता है वहाँ से वो गया। देन ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी, लेटर इन द डे इट बिकम वर्स फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। Then during the first hour is caused him no difficulty. शुरुआत में क्या होता है कि वो जब ज़्यादा था वुड से मतलब जो जंगल के रास्ते से, तो उसको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा, मतलब इतनी डिफ़िकल्टी नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, जो फर्स्ट आवर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, उसके जो हो सकता है कि कोई उसको देख ले, मतलब कि जो वुड्स से जा रहा था, जंगल से जा रहा था, तो ऑब्वियस है कि सारे रास्ते उसे देखे नहीं होंगे। तो उसकी वजह से शुरुआत में जो फर्स्ट आवर था उसमें तो उसको प्रॉब्लम नहीं रहा, इतना नॉर्मल लगा कि इट्स ओके, मैंने जंग जीत ली है, मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए, मैं कहीं से भी कुछ भी करके जा सकता हूँ। मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन बाद में क्या होता है कि थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए उसको, जो वर्स का मतलब यहाँ पे उसके जो बैड लक है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके सामने वो फेस करने लग गया। फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। फिर क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम यानी कि बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट से वो जा रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो रास्ता ही भटक चुका था, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। सो फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट उसको धीरे धीरे कन्फ्यूजिंग लगने लग गया, उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ से मुझे कहाँ पर जाना है, बार बार उसी जगह पर वो वापस आ जाता था। तो विच ही हैड गॉटन इन टू, ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन। वो उसको लग रहा था कि सच में मैं डेफिनेट जो डायरेक्शन जहाँ पे मुझे जिस रास्ते से जाना है मैं ऑब्वियस वहीं से ही जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उस रास्ते से वो नहीं जा रहा था। तभी उसके लिए ये कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट लगा उसको कि ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक। लेकिन जो पाथ जो थे, जो फुटपाथ जो थे, वो रास्ते जो थे वो थोड़े ट्विस्टेड थे, वापस ही उसको पूरी जगह पे घूम के वही उसी जगह पे वो वापस आ जाता था। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और उसके लिए हर एक जगह जब भी वो जाता तो वो सारी जगह उसके लिए नई लगते थे, मतलब कि पहले आया ही नहीं था ऐसे, और वापस उस नए रास्ते से जाता और फिर वापस से उसी जगह पे
आ जाता था. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. और ऐसे ही वो चलता ही रहा और ना ही उसको कोई रास्ता मिल रहा था, ना ही उसका जो फॉरेस्ट है उसका एंड दिख रहा था कि जिसकी वजह से वो कोई और सिटी या और विलेज पे जा सके. तो ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता ही गया विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. मतलब कि उसको कहीं पे भी वो दिख नहीं रहा था, एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा था उसको कि कहाँ तक उसको जाना है. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. फाइनली ही रियलाइज, बाद में उसको फाइनली, मतलब बहुत ही थक चुका था क्योंकि इतना बड़ा घना सा फॉरेस्ट था और वहाँ पे वो घूम रहा था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो थक चुका था. और फिर उसको फाइनली रियलाइज़ होता है कि दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. वो वही जगह पे ही चल रहा था जिस जगह पे ऑलरेडी वो आ चुका था या फिर बार बार आ रहा था. यो उसको नया कुछ नहीं लग रहा था, वही ओल्ड चीज़ लगने लगे कि नहीं यार, यहाँ पे तो मैं कई बार आ चुका हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है. लेकिन एक्चुअल में उसको रास्ता, डायरेक्शन जो था वो नहीं दिख रहा था, ट्विस्टेड रास्ता जो पाथ था, और बार बार वही घूम घूम के उसी जगह पे आ रहा था. तो दैट फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पाथ ऑफ द फॉरेस्ट. और इसी तरह से वो वही पाथ पे वापस उस फॉरेस्ट के उसी जगह पे आ जाता था. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. अभी देखो, सोचने वाली बात है कि एक टाइम ऐसा था कि पास्ट में जब उसने चोरी वो सब चालू किया था तो वो रास्ते पे जा रहा था अपनी सैड लाइफ को देख के, सोच के, और अचानक से उसके दिमाग में एक सोच आती है, बहुत बढ़िया सा आइडिया आता है. और उसने सोच भी लिया कि पूरी दुनिया क्या है तो रेड ट्रैप है. वो बात उसको अपने लिए याद आती है कि और ऑल एट वंस ही रिकॉल, फिर से उसको वो बात याद आती है, हिज थॉट, उसकी थॉट के बारे में कि द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. वर्ल्ड और रेड ट्रैप को उसने सिमिलर कहा, एक ही माना, और इसी वजह से उसकी जो सोच थी उसके लिए, कौन सी सोच थी कि पूरी दुनिया क्या है, रेड ट्रैप ही है. मतलब कि ऐसे कोई चीज़ से अट्रैक्ट होता है, फिर से उसको वो अट्रैक्शन से उस चीज़ को पाता है और फंस जाता है. फंसने के बाद एंड ऑफ द लाइफ हो जाती है. बिल्कुल वैसे ये जो उसकी जो सोच थी, जो उसकी थॉट थी, वो वापस उसको रिकॉल कर रही है, याद हो रही है. नाउ हीज ओन टर्न हैड कम. अब क्या होता है कि उसका अपना, मतलब उसका टर्न आया, तो नाउ हीज ओन टर्न हैड कम. अभी वो अपने उस रास्ते पे, यानी कि वर्ल्ड और पूरी दुनिया को उसने जो रेड ट्रैप कहा, तो वो अपने आप को भी क्या कर रहा है कि वो रेड ट्रैप ही कह रहा है, क्योंकि वो भी दुनिया की तरह अट्रैक्ट होके फंस गया है. नाउ हीज ओन टर्न हैड कम, मतलब अब जो उसका रास्ता आया, समय आया, टाइमिंग आया, वो क्या था, फंसने का. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब क्या होता है कि he had let himself be fooled. अब तो वो खुद foolish बन गया, मूर्ख बन गया. क्यों? क्योंकि वो भी किसके पीछे भाग रहा था, तो by a bait, मतलब एक चारा. चारा कौन सा था उसके लिए? वो घास फूस नहीं, उसके लिए चारा था वो 30 kronor जिसकी उसने चोरी की थी. तो ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, मतलब कि वो खुद अपने ही चारे से वो खुद फंस चुका था, फुल बन चुका था. हैड बीन कॉट, और उसमें खुद ही वो फंस चुका था. कॉट मतलब फंस जाना, पकड़ में आ जाना. और वो अपनी ही जो स्कीम थी, जो आइडिया था, उसमें वो खुद ब खुद फंसता जा रहा था. उसको वो फीलिंग आ रही थी. The whole forest with its trunks and branches and its thickets and fallen logs
closing upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ये बहुत ही जो यहाँ पे जो लाइन है वो पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है कि जो वुडन की वुड्स की बात करते हैं, जो फॉरेस्ट की बात करते हैं, वो फॉरेस्ट कैसा था एक्चुअल में. तो वो फॉरेस्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है कि द होल फॉरेस्ट यानी पूरा जो फॉरेस्ट था, पूरा जंगल था, विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो ब्रांचेस थी, डालियाँ, इट्स थिकेट्स, वो बहुत ही थिकेट्स थी, एंड फॉलन लॉग्स, और जो वुड्स होते हैं, मतलब वुड जो होता है, मतलब मान लो कि उसकी जो रूट्स हैं वो भी बहुत सारी जगह पे फैले हुए हैं. क्लोज इट अपॉन हिम लाइक इंटर इम्प्रेंटेबल. इम्प्रेंटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल नॉट टू रीच एनी प्लेस, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पे टाइम पे पहुँचना. तो तभी ये वर्ड यहाँ पे दिया है कि पूरा फॉरेस्ट ट्रंक और ब्रांचेस से भरा हुआ है, बहुत ही थिकेट्स है, यानी वहाँ पे ज़्यादा जो बर्ड्स होती है बहुत सारी है, फॉलन लॉग्स है. क्लोज इन अपॉन हिम, और वहीं पे वो इतना तकलीफ में, मतलब शॉक हो चुका है कि अपने आप को क्या फील कर रहा है, इनप्रेटेबल प्रिजन यानी कि इम्पॉसिबल नॉट टू रीच एनी प्लेस, कोई जगह पे वो पहुंच नहीं पा रहा है और वो अपने आप को जैसे एक प्रिजन यानी कि एक जेल में फंसा दे चुका है. फ्रॉम व्हिच ही कुड नॉट नेवर एस्केप, और वहाँ से वो भाग भी नहीं सकता. ठीक है, तो उस जगह से वो वापस जा भी नहीं सकता. तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है. तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने जो देखा कि बिगिनिंग से देखते हैं थोड़ा बहुत कि शुरुआत में एक अननोन पर्सन है, वो अननोन पर्सन जो ट्रैप सेल एक रेड ट्रैप का सेलिंग करता था, वो सारी चीज़ों को मतलब अलग अलग जो स्टोर होते हैं, बैगिंग इन स्टोर हो या फिर बिग फार्म है, वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करता था. कलेक्ट करने के बाद उसको सेलिंग करता था, लेकिन उसका जो बिजनेस था वो सही तरीके से नहीं चल रहा था. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी बहुत बैगिंग करता था और बाकी का वो थीवरी करता था, पैटी थीवरी, और उसी से अपना जो वक्त था, अपना समय था, वो चला रहा था. बाद में क्या होता है कि जो एक बार उसको एक थॉट भी आती है कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया मतलब जो विलेजेस देखो, सीस देखो या फिर सिटीज़ देखो या लैंड देखो, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो कुछ नहीं है, वॉज नथिंग बट बिग रेड ट्रैप, यानी वो बहुत बड़े रेड ट्रैप ही है, वो रेड ट्रैप से फंस जाते हैं. उसका मतलब हर एक इंसान का एक पर्पज़ होता है, एक मोटो होता है, और उस चीज़ के पीछे वो भागता है, जैसे कि जॉय है, रीच है, शेल्टर एंड फूड है, हीट एंड क्लोथिंग है, तो ये सारी चीज़ों के पीछे वो बेड के पीछे भागता रहता है. और भागते भागते क्या हो जाता है, वो टेम्प्टेड हो जाता है, ट्रैक हो जाता है, और फिर फाइनली क्लोज इन, और उसके अंदर वो फंस जाता है, और उसके बाद उस इंसान की लाइफ का क्या हो जाता है, दी एंड. तो ये सोच आने के बाद वो बहुत हैप्पी हो जाता है कि पूरी दुनिया ऐसी है. बाद में एक डार्क नाइट पे वो क्या करता है, नाइट के लिए शेल्टर फाइंड करता है कि मुझे कहीं पे कोई जगह मिल जाए कि आज की नाइट मैं स्पेंड कर सकूं और थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाए. तो वो जब रात को जाता है तो उसको लेट रोड साइड पे क्या दिखता है, एक लिटल ग्रे कॉटेज दिखता है. वहाँ जाने के बाद उस डोर को वो नॉक करता है और पूछता है कि मुझे आज की रात यहाँ पे रहने को मिलेगा. तो वो जो इंसान जो अंदर का ऑनर है, घर का, कॉटेज का ऑनर है, वो ओल्ड मैन था, उसकी वाइफ और बच्चे नहीं थे, वो अकेला ही रहता था. तो उसने बहुत ही प्यार से उसको बुलाया, उसको रखा, इवन उसको खाना भी दिया, और जो टोमेको पाइप्स थी उसको दी, उसके साथ उसने कुछ जो कार्ड्स होते हैं वो भी उसने प्ले किए. ठीक है, तो वो उसने उसके साथ साथ शेयर भी किया. वो करने के बाद वो अपनी पर्सनल जो लाइफ थी
उसको वो डिस्कस भी करता है। तो डिस्कस करने के बाद क्या होता है कि वो बताता है कि पहले वो राम्स जो आयरन वर्क पे काम करता था, लेकिन अब वो वहाँ पे नहीं जाता, अब उसके पास एक काऊ है और काऊ उसको बहुत ही अच्छी इनकम देती है। उसने ये भी बताया कि जो लास्ट मंथ था उसमें उसने 30 क्रोनर जो थे वो बचाए, यानी रिसीव किए, कमाए। और अर्न करने के बाद उसने बताया कि वो पैसे उसने कहाँ पे रखे हैं। तो इतना सारा विश्वास हो चुका था, यकीन हो चुका था ये जो पैडलर यानी कि जो रेड ट्रैप है उसके ऊपर बहुत ही यकीन करके बैठ गया था। और जो ओल्ड मैन है वो बताता है कि एक विंडो है, विंडो के साइड एक नेल पे हैंग किया हुआ एक लेदर का पैकेट था, सॉरी पाउच था, उसको निकाल के वो पैसे दिखाता है। वो पैसे दिखाने के बाद मॉर्निंग वो लोग सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग होती है तो फिर से ये जो ओल्ड मैन जो क्रॉफ्टर जो है, क्रॉफ्टर यहाँ पे ओल्ड मैन है, और वो मिल्क निकालने जाता है काऊ से। और ये जो रेड ट्रैपर है वो क्या करता है, उठ जाता है और दोनों फिर दरवाज़ा बंद करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जबकि आज हम देखते हैं तो क्या देखा हमने, तो जो हाफ आवर के बाद वापस वो जो ओल्ड मैन था उसकी कॉटेज पे आता है। आने के बाद उसने जो विंडो थी उसको स्मैश पैन, जो उसकी पैन होती है उसको स्मैश की, तोड़ दी। और अंदर हाथ डालने के बाद वो जो पाउच हैंग किया हुआ था उसमें से उसने 30 क्रोनर ले लिए। लेने के बाद बहुत ही हैप्पी हो के वो अपने घर जा रहा था, घर मतलब कि अपने रास्ते जा रहा था। जाते जाते उसको एक बात ये भी रियलाइज़ हुई कि अगर गलती से मैं जो पब्लिक प्लेस होती है, पब्लिक हाईवे होते हैं, वहाँ से मैं जाऊँगा तो हो सकता है कि मैंने जो चोरी की है वो किसी को पता चल जाए। तो उसने क्या किया कि दूसरा रास्ता पसंद किया। दूसरा रास्ता कौन सा था, तो वो वुड्स का था, मतलब फॉरेस्ट एरिया था। वहाँ से वो जाना स्टार्ट करता है। शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा लगा उसको, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अंदर जाता गया वैसे वैसे उसको प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गए, मतलब वो कंफ्यूज होने लग गया। वही रास्ते पे बार बार घूम रहा था और घूमने से उसको लगा कि नहीं, मैं खुद ही फंसा जा रहा हूँ। और उसी बात उसी दौरान उसको एक अपना थॉट जो होता है वो रिकॉल होता है, याद आता है कि यार गलती से मैंने पूरी दुनिया को बोला था कि वो इस तरह की चीज़ के पीछे भागता है, मतलब एक रैट ट्रैप है। तो आज वो भी इसी तरह से एक चारे के पीछे, यानी कि बेड्स उसका क्या था, 30 क्रोनर था, और उसके पीछे भागते भागते वो खुद ही फंस गया था। तो इसी दौरान उसकी जो फॉरेस्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की है कि वहाँ पे ट्रंक है, बहुत सारे ब्रांचेस है, थिकेट्स हैं, फॉलन लॉग्स है, और अपने आप को वो कैसे फील कर रहा था, जैसे इम्पेंट्रेबल प्रिजन, जैसे कि एक कैदी की तरह फंस गया है और वहाँ से वो भाग भी नहीं सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज के जो लेक्चर है उसमें देखी। आई थिंक सो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह के से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो पोर्शन होगा उसमें हम क्या क्या और चीज़ें देखेंगे, तो जो नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि आगे की उसको कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है, सच में वो सक्सेस हो पाता है, वो सारे पैसे को लेके वो भाग भी सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम आगे का जो सेशन होगा उसमें देख पाएंगे कि एक्चुअल में वो कितना फेस कर पाता है, कितना पा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं पेज नंबर 34 पे, तो वो जस्ट आप फाइंड करना कि किस तरह की आंसर आ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, एनी कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच।